रूप से 70 साल का जो कचरा है उसको आप साफ कर रहे हैं, तो क्या आप एक वर्ष दो वर्ष में उसको साफ कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरे दो आदमी को मारा है तो मैं 100 आदमी को मारूंगा। टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, मैं सबको क्लीन करूंगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय आज जमुई में थे। जमुई में उन्होंने इसी सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और जो आम लोग होते हैं उनकी समस्याओं को सुना और उसके बाद संवाददाता सम्मेलन को भी उन्होंने संबोधित किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। निश्चित रूप से महंगाई बढ़ा है। महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो मार पड़ा है, ये निश्चित रूप से थोड़ा सा कष्टदायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो हमारा GST है, हमारा जो VAT है, उसको कम करके अभी तत्काल हम लोग एवरेज 10 रुपये लीटर का हम लोगों ने सहयोग किया है। गैस सिलेंडर पर भी सहयोग किया है और भी चीज़ जो खाद्य पदार्थ है उसको जो महंगाई बढ़ रहा है, आयात निर्यात पर रोक लगाई गई है और सरकार सक्षम है। माननीय मोदी जी, मैंने पहले कहा है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये सारी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर लिया जाएगा, चिंता ना करें आप लोग। निश्चित रूप से 70 साल का जो कचरा है उसको आप साफ कर रहे हैं, तो क्या आप एक वर्ष दो वर्ष में उसको साफ कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जिनका राज था, साम्राज्य था, गुंडागर्दी था, जो वहाँ के पॉलिटिकल लोग थे, उस गुंडे को पाल पोस रहे थे, एक एक करके कैजुअल्टी कुछ न कुछ तो होना ही है। क्योंकि आप हमको टारगेट कीजिएगा तो मैं भी आपको टारगेट करूँगा, ये चल रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस कुर्सी पर आसीन है, आप चिंता ना करें। मेरे दो आदमी को मारा है तो मैं 100 आदमी को मारूंगा। विपक्ष का आरोप है कि वहाँ टारगेट फिलिंग बढ़ा हुआ है, लेकिन आप फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। नहीं, मैं हर चीज़ के प्रमोशन में लगा हूँ, चाहे वो फिल्म का प्रमोशन हो, चाहे संस्कृति का प्रमोशन हो, चाहे वो जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, मैं सबको क्लीन करूंगा। कोर्ट में चला गया है, कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम सब लोग उसका मान करेंगे। आदरणीय मोहन भागवत जी का कहने का उद्देश्य ये था कि मैं आंदोलन नहीं करूंगा। मैं तो राम अयोध्या के लिए आंदोलन किया था और हमारे तमाम मंदिरों में मस्जिद बना दिया गया। आज वह स्वतः प्रकट हो रहे हैं भगवान, किसी न किसी रूप में, कहीं राधा कृष्ण जी के रूप में, कहीं शिव के रूप में, कहीं राम जी के रूप में। तो वो सारे मंदिर मस्जिद जो बने हुए बड़े बड़े, जहाँ जहाँ आप ज्वाइंट देख रहे हैं, वो सारे मस्जिद जो बने हैं, जैसे अभी आपके यहाँ ईद में आते हैं और हमारे मुस्लिम भाई क्या करते हैं, हमको टोपी पहना देते हैं, उस तरह भगवान पर भी लोग टोपी बना के पहना दिया और सब मस्जिद हड़प लिया, जमीन मेरा जो भगवान का जो मंदिर था हड़प लिया। तो आज हम नहीं चिन रहे हैं, वो स्वतः धीरे धीरे निकल रहा है। तो आने वाला समय जो मैंने बताया है कि वो स्वतः उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ हमारे पूर्वजों का था, हमारे हिंदू संस्कृति का था, उनको लोगों को छोड़ना पड़ेगा। उनके मुगलों ने जिस तरह का शासन किया, साम्राज्य पर कायम किया, तोड़ करके हड़प लिया, तो आज वो समय परिवर्तन, संसार का नियम है, आज परिवर्तन के रूप में आप सब लोग देख रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, बीजेपी बैकफुट पे आ गई है क्या? मैं अभी स्पष्ट कर देता हूँ, बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया था। मुझसे 10 बार पत्रकार पूछे होंगे, मेरे बयान को खोल के आप अपने पटना के साथियों से पूछ लीजिएगा। समय और भाग्य से पहले कुछ नहीं होता है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, दोनों ने बात किया और काम हुआ और बीजेपी कभी भी इसके खिलाफ में नहीं थी। समय पर होगा ये हम लोग कहते थे, समय पर हो गया और जातीय जनगणना बिहार सरकार कराएगी। मैंने हम लोग सभी लोग मिलकर कैबिनेट से पास कर। लेकिन आपके एक मंत्री ने सवाल किया है कल की जनसंख्या न्यूनतम कानून भी लागू हो जाती जनगणना, वो तो बहुत जरूरी है भाई। इसका विरोध कर जदयू विरोध नहीं करे, जदयू करे कि जनसंख्या नियंत्रण हो शिक्षा के माध्यम से हो, तो शिक्षा चलेगा। शिक्षित होते होते टाइम लग रहा है, तब तो जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगा। मेरा कहना है क्विक एक्शन होना चाहिए। भागीरथी देवी ने सर पदों से इस्तीफा दे दिया, हमारे लोग की दीदी हैं, सम्माननीय पद्मश्री हैं, कोई इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं होगा, पार्टी में है और रहेंगे। यूपी के तर्ज पर बिहार में बुलडोजर चल रहा है, एकदम बिल्कुल चल रहा है। आपके जम्मू में भी चलना शुरू हो जाएगा 5 दिन में। आ गया हूँ, चलेगा मेरे बड़े भाई, मैं आ गया हूँ, चलेगा कल से। मैं चिंतित हूँ। मैं अपने, कोई भी मंत्री आते हैं तो अपने विभाग का काम करते हैं। मैं आने के बाद समस्या के लिए 1.5 घंटा अलग समय दिया हूँ, जो आप देख रहे थे जनता है, मैंने समस्या कलेक्शन किया है। अब भोजन करने के बाद विभाग के लोगों को बैठ के उस पर कार्रवाई होगी और जो गलत लोग होंगे उस पर सस्पेंड भी किए जाएंगे। आप सर बराबर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़
निश्चित रूप से मैं प्रमंडलीय समीक्षा करते आया हूँ, संयोग से आपके मुंगेर प्रमंडल का समीक्षा नहीं कर पाया। 9 में से मैंने 7 का किया, मुंगेर बचा हुआ था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के पार्टी की ओर से आया था, आज इसी बीच में मैं 1-2 घंटे का समीक्षा रखा हूँ। जिन लोगों पर मुझे कमी महसूस होगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जो करप्ट होंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई हुई होगी, न हुआ होगा तो आज हो जाएगा। कुछ धार्मिक स्थान हैं जबरन में जिन्हें कब्जा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक पार्ट कब्जाने वाला है, एक पार्ट छुड़ाने वाला है, तो हम लोग छुड़ाने वाले हैं, चाहे हमारा बीजेपी कार्यकर्ता हो चाहे हम लोग। तो कब्जियाना जिसको चाह रहे हैं वो लोग होश में आ जाए, उनको ठिकाना लगा दिया जाएगा। तो सुना आपने, ये थे बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में भी यूपी के तर्ज पर बुलडोजर चल रहा है और चलेगा। जम्मू के बारे में भी उन्होंने कहा, यहाँ पर भी 2-3 दिनों के अंदर बुलडोजर चलने का कार्य आरंभ हो जाएगा, जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बात की, आपने सुना। इसे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। रूप से 70 साल का जो कचरा है उसको आप साफ कर, तो क्या आप 1-2 वर्ष में उसको साफ कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरे 2 आदमी को मारा है तो मैं 100 आदमी को मारूंगा। टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, मैं सबको क्लीन करूंगा। मैं